प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को जानने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले एक बार हम चैप्टर 2 के बारे में देखते हैं। चैप्टर 2 में जो हमने किया था उसका जो नाम था वो था बहुपद। बहुपद के बारे में हमने सीखा था और एक बहुपद जिसकी घात दो है उसको क्या नाम दिया गया था, उसको नाम दिया गया था द्विघात बहुपद। और इस द्विघात बहुपद का अगर हम इसको मानक रूप में लिखें तो ये था हमारे पास ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी। तो ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है जिसमें जो ए बी और सी है, जो वो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए जीरो नहीं है। देखो, अगर जीरो ए जीरो हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो ये जो बहुपद बचेगा उसकी घात 2 नहीं रहने की, यानी कि फिर ये द्विघात बहुपद नहीं रहने का। तो इस वजह से हमारा ए जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। यहां पे ये मानक रूप है किसका, द्विघात बहुपद का। तो ये हमने अपना चैप्टर 2 में पढ़ा था। अब इसमें देखो एक क्या खास बात है कि जो पावर्स है एक्स की जो घात है वो कम होती, पहले सबसे बड़ी फिर उससे कम फिर उससे कम, इस तरह से लिख रहे हैं। तो इस मानक रूप को, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है जब हम इसको जीरो के बराबर रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, द्विघात समीकरण। तो जब द्विघात बहुपद को हम जीरो के बराबर रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा द्विघात समीकरण। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण का मानक रूप है, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। फिर यहां पे ए जीरो नहीं है और क्या है, ए बी और सी ये वास्तविक संख्याएं हैं, और क्या है, देखो एक्स की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आमतौर पे हम लिख देते हैं। देखो ए जीरो नहीं होना चाहिए, बस अगर ए जीरो हो गया ना फिर द्विघात नहीं रहने का, ये घात इसकी 2 नहीं रहने की। तो इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब हम किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हैं तो फिर हमें क्या मिल जाता है, द्विघात समीकरण मिल जाता है। अब देखो द्विघात बहुपद में हमने गुणनखंड बढ़ा के इसके शून्यक ज्ञात किए, शून्यक यानी कि x के वो मान अगर हम इसको px माने, x का वो मान जो रखने से ये जीरो के बराबर आ जाए, यानी कि मान लो x इज इक्वल टू a है तो pa हमारे पास जीरो आ गया, x की जगह पे a रखने से जीरो के बराबर हो गया, तो x इज इक्वल टू ए ये क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। अब यहां पे ये शून्यक की जगह पे, यहां पे x के जिस मान के लिए हमारा जो समीकरण है ये संतुष्ट करता है, x के जिस मान के लिए समीकरण संतुष्ट करता है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उसके लिए हम x इक्वल टू a यानी कि a को हम कहेंगे यहां पे मूल, यहां पे शून्य बोलते हैं जीरो और यहां पे मूल बोलते हैं रूट। तो ये डिफरेंस है, जब हम बहुपद के लिए बात करेंगे शून्य की बात करते हैं और जब हम मूल के लिए बात करेंगे तो समीकरण के लिए हम बात करते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस हुआ द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में। अब प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण हमारा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेली लाइफ में इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है।
डेली लाइफ में इसकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। इसको हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मान लो देखो, एक व्यक्ति के पास बहुत सारी जमीन है और उसके कुछ हिस्से में वो एक आयताकार प्लेटफार्म बनाना चाहता है। ये कुछ इस टाइप का एक आयताकार प्लेटफार्म बनाना चाहता है और वो प्लेटफार्म कितने एरिया में बनाना चाहता है? 300 वर्ग मीटर में। यहां पे कोई वो फंक्शन वगैरह करने के लिए यहां पे एक प्लेटफार्म बनाना चाहता है पक्का, तो वो कितने एरिया बनाने चाहता है? 300 वर्ग मीटर में। अब वो कुछ ऐसे चाहता है कि जो उसकी लंबाई है, जो उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से दुगने से मान लो एक मीटर ज्यादा हो। वो कुछ इस तरह से चाहता है कि जो उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई के दुगने से एक मीटर ज्यादा है, उसकी चौड़ाई के दुगने से एक मीटर ज्यादा है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 300 वर्ग मीटर होना चाहिए। तो क्या वो चौड़ाई मान ले और क्या वो लंबाई ले जिससे उसकी ये कंडीशन पूरी हो जाए? तो हम क्या करते हैं, चौड़ाई को एक्स मान लेते हैं, ये चौड़ाई, और लंबाई दुगने से एक मीटर ज्यादा है, चौड़ाई का दुगना 2x, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक मीटर ज्यादा है और प्लस एक। अब ये हमारे पास लंबाई आ गई और ये हमारे पास चौड़ाई होगी। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है l गुना में b, यानी कि लंबाई गुना में चौड़ाई। ये हमारे पास एरिया होता है, अब क्षेत्रफल होता है। अब लंबाई हमारे पास कितनी है? 2x जमा 1 गुना चौड़ाई कितनी है? x, ये कितना आ गया? 300। अब देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x की 2x के साथ 2x स्क्वायर प्लस x बराबर है 300। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 बराबर है 0। तो देखो, तो ये जो समस्या थी, उस व्यक्ति की समस्या थी उसको हमने एक द्विघात बहुपद में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का मान कितना हो गया? 2, b का मान हो गया 1 और c का मान हो गया माइनस 300। तो ये जो समस्या थी, उसकी जो समस्या थी उसको हमने गणितीय रूप में, हमने द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। अब इस द्विघात समीकरण को हम किस तरह से हल करेंगे, किस कौन सी विधि से हल करेंगे, ये इस चैप्टर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस तरह से सीखेंगे। अब एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 बराबर 0, ये एक द्विघात बहुपद है, यस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x स्क्वायर है हमारे पास, सॉरी द्विघात समीकरण है क्या ये बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लिख दूं कि x प्लस 5 7x प्लस 5 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि तो इसकी तो घात, सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर मैं लिखूं 3x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो सबसे बड़ी घात 2 है हमारे पास, तो यहां पे ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लिखूं 3x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो x स्क्वायर है, x है कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, h राशि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या फर्क पड़ता है, c हमारा 0 हो जाएगा इस केस में, इस केस में हमारा से जीरो हो जाएगा, तो ये भी है हमारे पास। यानी कि जो हमारा मानक रूप है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0, इसमें ए नहीं जीरो होना चाहिए, ए 0 तो ये खत्म हो जाएगा पार्ट, ये बी 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या सी 0 हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी या सी 0 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ए नहीं जीरो होना चाहिए। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण से संबंधित बेसिक है। प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एग्जाम वैल्यू भी बहुत ज्यादा है इस चैप्टर की, और बड़ा मजा आएगा आपको ये चैप्टर करते हुए।
तो देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है, हमें ये जांच करना है। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें, x प्लस वन स्क्वायर और ये दो x माइनस तीन, तो इसको हल करेंगे और इसको मानक रूप में ले आएंगे। कौन से रूप में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है जीरो, इस रूप में पहुंचाएंगे हम इसको। अब देखो यहां पे हम a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो ए बी, तो यहां पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस दो गुना एक्स गुना एक और ये दो और ब्रैकेट में है एक्स माइनस तीन, ये a है हमारा ये b है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का वन हो गया, टू की एक्स की और वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू एक्स हो जाएगा, यहां से ये टू एक्स हो गया और माइनस छ हो गया। अब आप देखेंगे बराबर से लेफ्ट साइड में और बराबर से राइट साइड में अगर एक जैसे निशान है, ये दो एक्स भी प्लस का है और ये दो एक्स भी प्लस का है, तो ये कट जाते हैं हमारे पास, हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर है माइनस छ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक और प्लस छ बराबर है जीरो, इसको भी इधर ले आए तो ये जीरो के बराबर हो गया, तो मानक रूप में हमारा जो राइट साइड है वो जीरो है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सात बराबर है जीरो। अब क्या इसकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो दो है, घात दो है, बिल्कुल सही है, ए जीरो नहीं है, बिल्कुल सही है, तो देखो हो गया हमारे पास ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स प्लस सी बराबर है जीरो, ए एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ जो ए का मान एक है, बी जो एक्स के साथ लगा हुआ है एक्स वाला पार्ट नहीं है इसमें, तो ये जीरो हो गया, सी हमारा जो बिना एक्स का है वो हमारे पास सात है, तो ए भी जीरो होना चाहिए, बी या सी तो जीरो हो सकता है, बिल्कुल सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ ये द्विघात समीकरण है। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है। इसी तरह से सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स, ये है हमारे पास माइनस दो और ये तीन माइनस एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस के छह, माइनस दो एक्स की माइनस एक्स के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का दो एक्स, इसको मत कैंसिल कर देना, बराबर से लेफ्ट साइड और बराबर से राइट साइड जब एक जैसे निशान होंगे तभी कैंसिल होंगे, अदरवाइज नहीं। अब इनको भी उधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स ये प्लस का छह हो जाएगा और माइनस के दो एक्स बराबर है जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के दो एक्स और माइनस के दो एक्स, तो माइनस के चार एक्स और प्लस छह बराबर है जीरो। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ठीक है सबसे बड़ी पावर दो ही है, तो यानी कि द्विघात समीकरण है, ए का मान हमारे पास एक है, बी का मान माइनस चार है और सी का मान छह है, तो मेरे बच्चों इसकी कोई जरूरत नहीं, आप यहां पे इस जगह पे लिख सकते हो कि हाँ द्विघात समीकरण है। ये मैं इस वजह से कर रहा हूं ताकि आपको पता भी चलता रहे और आने वाली एक्सरसाइज में इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी होती रहे। तो यह है हमारे पास पार्ट सेकेंड, आगे बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट थर्ड में है हमारे पास x माइनस दो और x प्लस एक, एक्स माइनस एक और x प्लस तीन, तो यहां से इसके साथ करेंगे x के, x के साथ तो एक्स स्क्वायर हो गया, x की वन के साथ तो प्लस का x हो गया, माइनस दो की x के साथ करेंगे तो माइनस के दो एक्स हो गए और माइनस दो की वन के साथ करेंगे तो माइनस के दो ही बनेंगे, x की x के साथ एक्स स्क्वायर, x की तीन के साथ प्लस के तीन एक्स, माइनस वन की एक्स के साथ माइनस एक्स, माइनस वन की तीन के साथ तो माइनस तीन, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो बराबर से इधर और उधर दोनों एक जैसे निशाना तो कैंसिल कर सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास एक्स माइनस दो एक्स, एक एक्स तो प्लस का है और दो एक्स माइनस के है, तो माइनस के एक एक्स रह गए और ये माइनस दो, इधर तीन एक्स प्लस के है और एक एक्स माइनस के है, तो दो एक्स रह गए और माइनस तीन, इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस एक्स और माइनस दो, माइनस के दो एक्स और प्लस के तीन,
बराबर है जीरो, इन दोनों को भी उधर लेगी, ये माइनस का दो एक्स होगा, ये प्लस का तीन होगा, माइनस एक्स और माइनस दो एक्स माइनस तीन एक्स, माइनस दो और प्लस तीन तो प्लस का एक आ जाएगा, बराबर है जीरो। तो देखो क्या इसकी सबसे बड़ी शक्ति दो है? नहीं। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसका आंसर हुआ नहीं। ठीक, इसी तरह से अगर हम फोर्थ पार्ट की तरफ चले तो ये है हमारे पास x माइनस तीन और दो एक्स प्लस एक बराबर है x और x प्लस पांच, तो गुणा कर देते हैं x की दो एक्स के साथ, दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस छ एक्स, माइनस तीन की दो एक्स का माइनस छ एक्स, माइनस तीन की एक के साथ माइनस तीन, तो एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स। अब देखो दो एक्स स्क्वायर एक जैसा तो कुछ है नहीं है, प्लस का एक्स और माइनस के छह एक्स, तो माइनस के पांच एक्स और माइनस तीन, एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स, इसको भी इधर कर देते हैं, तो ये हो गया दो एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स माइनस तीन, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस पांच एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस पांच एक्स। अब एक्स स्क्वायर वाले देख लो, दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना रह गया? एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर रह गया, यानी कि एक्स स्क्वायर रह गया, माइनस के पांच एक्स और माइनस के पांच एक्स, तो माइनस के दस एक्स हो गए और माइनस तीन। अब देखो सबसे बड़ी घात दो है हमारे पास, यानी कि द्विघात समीकरण है, तो लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का है ये, तो ए का मान एक आ गया, बी का मान माइनस दस आ गया और सी का मान माइनस तीन आ गया, तो हाँ ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास दो एक्स माइनस एक और एक्स माइनस तीन, इधर से है एक्स प्लस पांच और एक्स माइनस एक, ठीक इसी तरह से है ये भी हमारे पास, दो एक्स की एक्स के साथ करेंगे तो दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दो एक्स की माइनस तीन के साथ करेंगे तो माइनस छह एक्स हो जाएगा, माइनस एक के एक्स साथ करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक की माइनस तीन के साथ करेंगे तो प्लस का तीन हो जाएगा, एक्स की एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की माइनस एक के साथ करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, पांच की एक्स के साथ करेंगे तो पांच एक्स हो जाएगा, और पांच की माइनस एक के साथ करेंगे तो माइनस के पांच हो जाएंगे हमारे पास। अब देखो अगर कोई एक जैसा है बराबर से इधर और इधर, तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, देखो माइनस एक्स और ये भी माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचे दो एक्स स्क्वायर माइनस छह एक्स प्लस तीन और ये एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स माइनस पांच, एक साइड में कर लो सारा, दो एक्स स्क्वायर माइनस छह एक्स प्लस तीन, ये तो इधर थे ही, इनको इधर ले आएंगे तो सबके निशान बदल जाएंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के पांच एक्स और प्लस पांच बराबर है जीरो, दो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो कितना रह जाएगा एक एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस छह एक्स और माइनस पांच एक्स कितने हो जाएंगे माइनस ग्यारह एक्स, प्लस के तीन और प्लस के पांच तो प्लस के आठ हो जाएंगे जीरो, तो ये हो गया बिल्कुल सही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास एक, बी आ गया माइनस ग्यारह और सी आ गया आठ, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। ठीक इसी तरह से अगर छठे पार्ट की हम बात करें तो छठे पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक और ये एक्स माइनस दो स्क्वायर है, अब देखो ए माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दो ए बी, तो इधर ये फॉर्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दो स्क्वायर माइनस दो गुना एक्स गुना में दो, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करते हैं, ए का मान एक्स था और बी का मान दो था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दो ए बी, अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस चार, दो दूनी चार माइनस दो दूनी चार और साथ में एक्स है तो चार एक्स, अब देखो बराबर से इधर एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया तीन एक्स प्लस एक और ये चार माइनस चार एक्स, इसको भी इधर ले आओ तो तीन एक्स प्लस एक प्लस का चार, अब पहले लिख दो माइनस चार और ये प्लस का चार एक्स, इनके निशान बदल जाएंगे जब उधर जाएंगे तो ये जीरो के बराबर हो गया, तीन एक्स और चार एक्स सात एक्स,
प्लस का एक और माइनस के चार, तो माइनस के तीन रह जाएंगे। तो देखो सबसे बड़ी घात दो नहीं है, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर आया नहीं। तो ये था पार्ट सिक्स। इसी तरह से पार्ट सेवन की तरफ बढ़ते, अब देखो पहले बच्चों इसमें देखो, जैसे देखने से तो ऐसा लग रहा है ना जैसे द्विघात समीकरण होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसमें, तो ऐसा लग रहा है, लेकिन जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो ऐसा नहीं निकला इसके अंदर। जब हमने इसको मानक रूप में लिखा तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो इसको पहले मानक रूप में पहुंचा के फिर डिसाइड करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक, इसी तरह से सेवंथ पार्ट है हमारे पास, ये है एक्स प्लस दो इट्स क्यूब, ये है 2x into x square minus 1। तो ये दे रखा है अभी हमें। अब देखो यहां पे इस पे हम a plus b its cube, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं a cube plus b cube plus 3ab into a plus b। अब a का मान हमारे पास x है और b का मान हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा x cube plus 2 cube plus 3 गुना x गुना में 2। ब्रैकेट में करना है तो ब्रैकेट में कर सकते हो आप, एक्स क्यूब और ये दो क्यूब प्लस तीन ए बी और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस दो। इधर ये हमारे पास था दो एक्स और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक। अब ये एक्स क्यूब हो गया, दो दुनी चार दुनी आठ हो गई, तीन दुनी छह, छह एक्स हो गया, अंदर है एक्स प्लस दो, ये हो गए दो एक्स क्यूब, दो एक्स की एक्स स्क्वायर के साथ किया तो दो एक्स क्यूब और माइनस के दो एक्स। देखो एक्स क्यूब प्लस आठ प्लस इसकी जब इसके साथ गुणा की तो ये हो गया छह एक्स स्क्वायर, और जब इसकी इसके साथ गुणा की तो छह दुनी बारह एक्स, ये हो गई दो एक्स क्यूब माइनस दो एक्स, यहां पे आ गया। अब एक जैसा तो कुछ है नहीं है तो सारे को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस आठ प्लस छह एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स माइनस दो एक्स क्यूब और प्लस के दो एक्स बराबर है जीरो। सारे को हमने क्या कर दिया, हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया। अब देखो एक्स क्यूब एक प्लस का है दो माइनस के है, तो माइनस का एक बच जाएगा, एक तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस एक्स क्यूब लिख दिया। एक्स स्क्वायर अकेला ही है तो प्लस के छह एक्स स्क्वायर, एक्स वाई देखो प्लस के बारह एक्स और प्लस के दो एक्स, तो प्लस के चौदह एक्स हो गए और कॉन्स्टेंट है हमारे पास बस आठ ही है, तो प्लस आठ बराबर है जीरो। अब देखो इसकी सबसे बड़ी पावर है वो तीन है, दो से ज्यादा होगी, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, ठीक है नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर हम एट्थ पार्ट देखें तो इसमें है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इट्स होल क्यूब। अब यहां पे फॉर्मूला क्या रहेगा, ए माइनस बी इट्स होल क्यूब, ये क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, वहां प्लस थे ना सारे, यहां पे सारे माइनस हो। अब देखो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, देखो ये एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस तीन ए, ए का मान है एक्स और बी का मान है दो, तीन ए बी और अंदर ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस दो। तो यहां पे एक्स क्यूब माइनस चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए, यहां एक्स क्यूब दो दुनी चार दुनी आठ माइनस के आठ माइनस के छह एक्स और अंदर आ गया x माइनस दो, तो ये x क्यूब माइनस चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, एक्स क्यूब माइनस आठ माइनस इसकी जब इसके साथ करेंगे तो छह एक्स स्क्वायर होगी, और जब माइनस छह एक्स की प्लस के दो के साथ की तो प्लस के बारह एक्स होगी। अब देख लो बराबर से इधर और उधर कोई एक जैसा हो तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब देखो दोनों तरफ, तो इसको हमने कैंसिल कर, हमारे पास बचा माइनस चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस ए, तो माइनस आठ माइनस छह एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स, तो इसको भी उधर ले जाते हैं, तो माइनस चार एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस एक तो था ही, प्लस का आठ हो गया, प्लस के छह एक्स स्क्वायर हो गए और माइनस के बारह एक्स हो गए, तो जीरो के बराबर हो गया। एक्स स्क्वायर देखो कितने हैं, माइनस के चार और प्लस के छह, तो दो एक्स स्क्वायर। एक्स देखो कितने हैं, माइनस के एक्स और माइनस के बारह एक्स, यानी कि माइनस के तेरह एक्स। और कॉन्स्टेंट देख लो कितने हैं, प्लस का एक और प्लस के आठ, तो प्लस के नौ, बराबर है जीरो। तो ठीक है, बिल्कुल सबसे बड़ी घात है जो दो है, तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का हो गया। ए की वैल्यू दो आ गई, बी की वैल्यू माइनस थर्टीन आ गई, माइनस थर्टीन, और सी की वैल्यू नाइन आ गई। तो हाँ, ये हो गया हमारे पास बहुपद, सॉरी द्विघात समीकरण। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें एट पार्ट थे। तो ध्यान रखना, सिर्फ देखने से हमें अंदाजा नहीं लगता कि यह द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो लास्ट में जो मानक रूप आएगा उसको कंपेयर करना है फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। अगर आपका एक्स स्क्वायर की टर्म आती है और उससे बड़ी कोई टर्म नहीं है फिर तो ठीक है, मान लो एक्स क्यूब आ गया तब भी वो द्विघात समीकरण नहीं है। मान लो एक्स स्क्वायर ही नहीं आया, एक्स आ गया, एक्स की टर्म आई और कॉन्स्टेंट आया हमारे, ना एक्स स्क्वायर आया ना एक्स क्यूब आया, बड़ी कोई भी पावर नहीं आई, तो तब भी वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और फिर उसके बाद मानक रूप में लिखने के बाद, मानक रूप में ये देखो, मानक रूप में बना लिया हमने इसको, और इसके जैसा है ये मानक रूप के टाइप का। तो यहां से हमने ए बी सी डी चेक कर लिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस तरह से आप पहले मानक रूप लिखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।